जब वो मोमेंट फील हो जाएगा ना घुड़चढ़ी बस तभी कहीं लोग मुझे वो इमेज को भुला कर वो ब्रेक करके एक नई इमेज में देखना पसंद करे. और अब मेरी फाइनली वही गुजारिश है कि इस फिल्म को देखने के बाद आई एम श्योर दे विल फॉल इन लव विद चिराग आल्सो. बहुत मज़ेदार था आई मेट हिम पहले प्यार का पहला गम के गाने पे. मैं पार्थ को देखते ही गिर गई थी. देखते ही आई वाज लाइक ओह वाओ. जैसे पहले मैं गिर गई थी या नहीं बट मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ मैं पहले सीन मेरा फर्स्ट टेक. बस हमारी शादी हो रही थी तो बस हो गई. हाय दिस इज कुशाली कुमार एंड दिस इज पार्थ सरदार एंड यू आर वाचिंग अस ऑन फिल्मिक. हाय हेलो सत श्री अकाल यू ऑल आर वाचिंग मी एट फिल्मी. मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ हैं आज द टॉल द सेक्सी लवेबल मुंडा चिराग और उनके साथ उनकी वुड बी दुल्हनिया. सो वेलकम बोथ ऑफ यू. वेलकम पार्थ. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. Thank you so much. It's an honor for me hearing this. Well, मुझे ये बताओ आप लोग लाइफ में किस चीज का गारंटी ले पाते हो. वैसे लेते हो किसी चीज का गारंटी. अभी ले रहे ये फिल्म की कि सब लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे है ना. ये देखो एकदम इंस्टेंट याद आया खुशाली को कि फिल्म के लिए आए इसी के बारे में. बस 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 फिल्म देखोगे आप कंप्लीट एंटरटेन होंगे पूरे परिवार के साथ. आप देख पाओगे एंड यू विल बी having a smile towards the end of the film. Film dekhne ke baad bhi ek achhi si smile rahegi, aapki muskan rahegi aapke chehre pe. Iski guarantee hum le sakte hain. Kitne rupaye mile hain is baat ko bolne ke aapko? Ye rupaye nahi, ye dil se aa rahi hai. Dil se hai ye. Jio se. Jio. Good one. Dekho, har cheez ka promotion aa raha hai. Jio cinema thoda chukke hai na. Hum bhi Jio ki family se hi hain waise. Bata de. Well, chalo Ghurchadi ka trailer maine dekha, bada acha laga. Well, main ye bhi janna chahungi jab maine रवीना और उनको देखा ना संजय दत्त को तो मुझे लगा यार कि कहीं ऐसा तो नहीं है लाइमलाइट इधर से हटके कहीं उधर आने वाली है. जब आप लोग को पता लगा था दैट संजय इज प्लेइंग योर फादर रवीना इज प्लेइंग योर मॉम व्हाट वाज योर रिएक्शन. Yeah, it was amazing. Like I would say, reaction ऐसा था कि believe नहीं हो रहा था. It took time to sink in. हर एक actor का सपना होता है, you know, to work with such legendary actors. और I feel very lucky, fortunate कि मेरे को ये मौका मिला कि संजय सर, रवीना मैम, अरुणा जी. मेरा जो पहला दिन था सेट पे वो अब एक एक यादगार मोमेंट है. एंड मैं रियली आई रियली प्रे टू गॉड कि आई अगेन गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम अगेन. क्योंकि मेरे अरुणा जी और संजय सर के साथ इतने सीन्स नहीं है. अच्छा, तो वो एक ना अभी रह गया है कि अभी मेरे को और काम करना है उनके साथ. ये तो रहना ही चाहिए वो वंस मोर वाली फीलिंग. यस यस वो है. और आपके संजय सर के साथ ज्यादा. हाँ बराबर. क्योंकि ऑफ कोर्स मैं उनके बेटे का किरदार निभा रहा हूँ एंड मेरे लिए कभी एक सेकंड के लिए भी वो ऐसे मोमेंट फील नहीं हुआ कि लाइमलाइट वो लेके जाएंगे. इनफैक्ट अगर पूरी पिक्चर भी उन्हीं के ऊपर है और हम बस एक ऐसे कैमियो भी कर रहे हैं ना हमारे लिए काफी. सो यस तो हमारे लिए एंड दैट टू माय फर्स्ट फिल्म मेरी पहली फिल्म है ये. तो बहुत सालों तक इंतजार किया है मैंने. यस तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज सच अ वंडरफुल कास्ट इंक्लूडिंग हर. And of course, it's comedy, it's family film. Of course, like and that. So I'm sure, like I said, कि 29 रुपए में आप अपने family को entertain कर पाओगे, इसकी guarantee हम ले सकते हैं. हाँ, ये तो अच्छी बात है. और 29 रुपए तो हम खर्ची सकते हैं पार्थ और खुशाली के लिए. Absolutely. Well, संजय और रवीना भी हैं इसके अंदर सबके लिए. अरुणा रानी मैम भी हैं. इनफैक्ट मैं आप दोनों के बारे में, आप दोनों का पहला एनकाउंटर कब था? क्योंकि आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज में भी साथ काम किया एंड नाउ दैट यू आर कमिंग अप विद दिस फिल्म सो पीपल हैव ऑल द आईज ऑन योर पेयर. दे वांटेड टू सी यू टुगेदर ऑलवेज बिकॉज it's a very fresh pairing, you know. So how was your first encounter with each other jab pehli baar mile the? Bahut mazedar tha. I met him pehle pyar ka pehla gham ke gaane pe. Main Parth ko dekhte hi गिर गई थी. देखते ही आई वाज लाइक ओह वाओ. जैसे पहले मैं गिर गई थी या नहीं बट मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ मैं पहले सीन मेरा फर्स्ट टेक था. मैं भागती हुई जा रही हूँ Parth की तरफ एंड आई स्लिप्ड रियली बैड एंड आई हर्ट माय नी. Like and everyone on the charm tha. Charm, you can say that. So yeah, the first time when I met him, I fell. और कितनी लड़कियां गिरी हैं आपको देख के. ये बोलने के लिए मैंने अलग से इसे चेक दिया है. क्या पैसों की बहुत बात हो रही है. बहुत बात हो रही है. पर ये genuine हुआ था. Genuinely I hurt myself. या और मैंने फिर डेटॉल भी लगाया है. डेटॉल लगाया था. उठा के ऐसा. या ज्यादा बाल तो है नहीं. बट आई एम श्योर अगर आप भी ऐसे हो मेरे सामने अगर ऐसे होता और आपको ये चोट लगती तो मैं तुरंत आ जाता. काश कि मैं घर पे ना गिरी होती. पार्क के सामने गिरी होती तो अगली बार पब्लिक में गिरना. अगली बार
अपना राइट पैर तोड़वा रहे सिर्फ और सिर्फ बात के लिए। वैसे तो आप हील्स पहनते ही हो तो बस ये मजाक उड़ाया जा रहा है जरा ऑन सेट कि मैडम का फैशन नहीं जा रहा है पैर तोड़वाने के बाद। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे हम बता भी देते हैं ना, हम ये काम वाम भी करते हैं, थोड़ा सैलरी ज्यादा आ जाएगा, हमें भी पैसे मिल जाएंगे। बट सो मच ऑफ डेडिकेशन, या दैट्स देयर फैशन देखो कि अब फिर भी थैंक यू एंड योर लव फॉर फैशन आल्सो। And your love for passion, dedication to passion. Passion and fashion. Both together for girls. Both. Yes, totally. तो ये बताओ सच्ची में घुड़चढ़ी कब हो रही है आपकी? सच्ची में घुड़चढ़ी 9 अगस्त को हो रही है। नहीं ये वाली नहीं, ये वाली असली, ये वाली हो रही है असली वाली। नहीं अभी फिलहाल तो वी आर फोकसिंग ऑन द फिल्म और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म है और यस हमारे फैमिली में वैसे देखा जाए तो नेक्स्ट में ही हूँ। अच्छा बदकिस्मती से खुशकिस्मती से पहले नंबर पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट में ही हमारे सारे जो मेरे से बड़े थे उनकी वो तो सेटल हो चुके हैं खुशी खुशी टचवुड। बस अब देखना चाह रहा हूँ कि कौन है वो जिंदगी लड़की जो मेरी जिंदगी में आएगी और बस पीछे से एकदम गाने बजेंगे और वो फील आएगी रोमांटिक और जब वो मोमेंट फील हो जाएगा ना घुड़चढ़ी बस तभी क्योंकि वो डाउट इसलिए होता है क्योंकि वो इतनी बड़ी आपने छाप जो छोड़ी है, इतनी बड़ी जो आपकी इमेज है, जो आपके शो में आपने किरदार में इतने सालों से निभाया है, तो आपके परिवार वाले जो भी ऑडियंस ये शो देख रही है वो आपसे जुड़ चुकी है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में आप उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुके हो, तो उनके लिए बहुत कठिन होता है जब उनको आपको किसी और किरदार में देखना पड़ता है, वो भी रोमांसिंग विद समवन एल्स। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एज एन आर्टिस्ट टू टेक अप। तो इसलिए बहुत जरूरी था मेरे लिए कि कुछ समय के लिए मैं कोई प्रोजेक्ट टेक अप ना करूं और किसी और इतना मैं अपने आप को थोड़ा सा एक शांत स्वभाव का बना लूं कि मतलब बाहर ज्यादा दिखूं नहीं कि मतलब लोग ज्यादा फिर वो होता है ना आउट ऑफ साइड इज आउट ऑफ माइंड। तो मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं लोग मुझे वो इमेज को भुला कर वो ब्रेक करके एक नई इमेज में देखना पसंद करे और अब मेरी फाइनली वही गुजारिश है कि इस फिल्म को देखने के बाद आई एम श्योर दे विल फॉल इन लव विद चिराग आल्सो। हाँ डेफिनेटली दे विल। और मैं बता देती हूँ आपको अपने दिल की बात भी, जब अनुराग बासु का कैरेक्टर था इनका कसौटी में तो मैं भी इन पे अपना दिल दे बैठी द मोस्ट एलिजिबल दामाद वाज हिम ओनली सब मम्मियों के लिए। तभी आप पूछ रहे घुड़चढ़ी कब होगी इनडायरेक्टली समझ नहीं पाया क्या खुशहाली के सामने बोल रही है। वेल खुशहाली आपकी अगर मैं बात करती हूँ 1.5 बीघा जमीन में यू वर फैब विद प्रतीक गांधी एंड यू रियली लाइक टुक आउट दैट कैरेक्टर वाज रियली नाइस। आपने एक बहुत सीधी सादी लड़की का डी ग्लैमराइज अवतार में हमने आपको देखा उसमें दैट रियली रियली ब्यूटीफुल दैट यू प्लेड। आप बहुत चूज ही रहे हो मुझे लगता है, सिलेक्टिव रहते हो अपने कैरेक्टर्स या अपने रोल्स को लेकर। सी यू वेरी ऑफ्टन। इट्स नॉट दैट आई एम चूजी, आई वुड से कि एक अच्छी कहानी मिलना बहुत मुश्किल रहता है, इट इज़ नॉट दैट ईजी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे को धोखा जैसी फिल्म मिली। मैंने ऐसे प्लान नहीं किया था कि मैं थ्रिलर के थ्रू आई विल डू माई डेब्यू और थ्रू दिस फिल्म आई विल डू और घुड़चढ़ी इज गोइंग टू हैपन। आई थिंक वट एवर इज मेंट एट अ राइट टाइम इट जस्ट हैपन्स ऑन इट्स ओन, यू नो द सिचुएशन बिकम्स सच इवन द डायरेक्टर सीज यू परफेक्ट इन दैट रोल, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी ग्रेटफुल दैट यू नो ऑल दीज फोर फिल्म विच आई हैव डन दे फेल इन प्लेस एंड पीपल रियली एडमायर्ड एंड लव्ड माई वर्क इन दैट। How did Ghurchadi happen to both of you? How were you called for this? बस हमारी शादी हो रही थी तो बस हो गई। Ghurchadi, it's a beautiful script which had come from Nidhi Dutta. So she had that script and you know she had fixed the narration and she had narrated that with and Binoy wanted to direct it. So and they already had Sanjay sir and Raveena ma'am. तो जो writer ने हमें वो कहानी सुनाई थी दीपक उनका नाम है इतने वो टैलेंटेड है और उन्होंने ऐसी कहानी सुनाई जैसे हमें लगा कि सच में ये घटना घटी और फिर हमें पता चला कि उसके परिवार में ऐसा कुछ हो चुका है तो उसने रियल इंसिडेंसेस से वो इंस्पायर होके उसने ये कहानी को रचा है। And I think our music video, both our music videos were loved by audience so much. We've got so much of love on it. And the director, Binoy, was really fond of our song, Dhoka. He used to have it on loop and he used to keep seeing that video a lot. And somehow he saw that, you know, what he was looking for, Chirag and Devika. Then he had called, he met
Parth, he met me and I'm from Delhi. So he somehow felt that, you know, we fit this entire world in the space what he's looking for. तो दिल्ली वाली लड़कियों वाली बात तो होगी since I am also from Delhi. Yeah, दिल्ली वाली तो totally है, सारी बातें हैं दिल्ली वाली. दिल्ली का खाना भी अच्छा लगता है. हाँ जी, क्या क्या खाना अच्छा लगता है. तो हमारे सेट पे ही बड़े अमेजिंग चीजें थी. सीताराम के छोले भटूरे तो आपने खाए होंगे. तो वो इमेजिन गरम गरम भटूरे फ्रेश तल रहे हैं एंड उस समय ऑफकोर्स यू नो आई डोंट वॉन्ट टू ईट मच ऑन स्क्रीन एवरीथिंग शो. दिल्ली जयपुर में ज्यादा शूट हुई है ना वैसे. हाँ, तो जहाँ वहाँ का जो भी फेमस खाना था ना वो हमारे सेट पे आता था. इन दैट वेज निधि वॉज अमेजिंग टू हैव लाइक शी इज टू फीड एवरी और क्या वो नागौरी तो चाय होती है. एक और एक छोले भटूरे कौन सा है वो सीताराम के थे. नागपाल 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 मीठा खाने का तो इनको भी बहुत शौक है. बहुत कंट्रोल किया घुड़चड़ी के सेट पे. नहीं सेट पे तो कंट्रोल किया लेकिन सेट के बाद बहुत. इवन ट्रेलर लॉन्च पे भी था कितना ज्यादा मीठा. हाँ नहीं खा पाया. नहीं ना मैंने देखा था झूठ बोल रहे. नहीं 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 मैंने देखा था चुपके चुपके खाते हुए. नहीं नहीं इनफैक्ट आई एम वेटिंग कि मतलब 9 तारीख एक बार निपट जाए उसके बाद एक फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करूंगा. दोस्तों के साथ बैठकर वो बकचोदी करूंगा और वो प्रॉपर. ये भी प्रॉपर दिल्ली वाला ये बकचोदी करना. अरे सीखा है मैंने ये दिल्ली जाकर यार सारी लैंग्वेज. और क्या क्या सीखा है. और सीखा मतलब ये दिल्ली वाली पूरी स्लैंग ही सीख ली पूरी भाषा सीख ली. तेरा भाई खड़ा है भाई. आज तेरे लिए वो तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ. तू जानते ही तो बहुत है. तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ. और खुद को भी नहीं पता कि हम कौन है लिटरली. अच्छा ये मुझे बताओ ऐसे म्यूजिक वीडियोस किया या इसमें काम किया सेट पे ज्यादा बात करने का मौका मिलता है या इंटरव्यूज के दौरान. इंटरव्यूज इट्स अ डिफरेंट बॉन्डिंग व्हाट आई फील. वी गेट टू नो ईच अदर. इतने हमने कंपैटिबिलिटी टेस्ट किए कि अब हमें सब आंसर्स पता है. वी आर 10 on 10. सो लोगों ने कर लिया. अच्छा बताओ एक दूसरे के बारे में. तो यू नो ऑफ कोर्स इट्स मोर चिल ऑन इंटरव्यूज. सेट पे एक यू नो एक तो अर्ली मॉर्निंग शूट्स रहते हैं. ही वुड गो टू द जिम एंड देन रीच ओवर देयर and you are running on time. What time do you are going to the gym? Whatever is the call time uske 2 ghante pehle. So is agar 6 baje hai to main 4 baje uth kar jaunga. Bhai kaun sa gym hai usme 3 baje 4 baje khula hota hai. Are wo hotel mein jisme hum ruke hain na. Ha and Sanjay sir also was very punctual. He to carries his gym hai na. So he was an inspiration. Wo hamare liye inspiration tha yaar ki matlab ये भाई साहब अगर इतना वो भी फिटनेस फ्रीक है ना. ऑफ कोर्स उन्होंने तो फिटनेस का वो पूरा रिजीम जो है वो स्टार्ट करा है. उनके जमाने में ट्रेंडिंग जो है वो उनसे शुरुआत हुई है फिटनेस की. तो हमारे लिए तो यार ऑब्वियसली व्हाट मोर डू यू वांट. वैसे संजू बाबा की किसी फिल्म को रिक्रिएट किया जाए और पार्थ को बोला जाए उसमें काम करने के लिए तो कौन सी फिल्म. खलनायक. बैड बॉय द अल्टीमेट बैड बॉय. अगर खलनायक 2 बन रही है और अगर मैं अपने आप को उसमें कोई भी रोल हो चाहे वो नेगेटिव हो या उनके बेटे का किरदार हो मैं फिर से I would gladly do it. आजकल ये अच्छे good looking लड़कों को ये negative shades क्यों करना होता है. पूरा perception बदल गया है मतलब negative shades. Maybe that is the real world. Is it? Okay, all the good boys are actually the bad boys. Bad boys. That's a point. Point. Well, आप दोनों को साथ में देख के मुझे लगता है आप दोनों को reality shows में भी participate करना. अरे बाप रे. That is not me. I'm very private as a person. I'm very private. और हम happy इंसान हैं. हमको अच्छा नहीं लगता हमारे सामने कोई झगड़े. अच्छा मतलब कोई दुखी इंसान होते जाते हैं. नहीं जो झगड़ते हैं ना मेरे वो नहीं पसंद. झगड़े करने नहीं अच्छा लगता. आई वुड जस्ट गो आउट ऑफ देयर. आई विल बी लाइक रिलैक्स यार क्यों झगड़ रहे हो छोड़ यार बैठो. इट्स मेनली बिकॉज़ ऑफ द टीआरपी सो व्हाट व्हाट डू यू थिंक. वो पता नहीं यार वो तो अभी उनका. आई ऑनेस्टली डोंट इवन. I feel the whole interaction and compatibility क्योंकि आप एक ही घर में हो. yes, true. ठीक है बाहर जाने को आपका अलाउड नहीं है और आप एक ही इसमें और सारे कैमरास भी है. आपको सोच समझ कर बोलना पड़ता है. क्या है बिहेव करना पड़ता है. कोई भी एक चीज आपने एक जोक मार दिया पता नहीं दूसरा इंसान कैसे ले बैठेगा. सो एवरीथिंग यू आर वेरी कॉन्शियस एंड ऑल्सो आप जैसे होता है कि आप एक घर में अगर आपके दोस्त लोग हो तो वक्त कट सकता है. नहीं, तो लेकिन अगर ऐसे टाइम तक साथ में रहेंगे तो कैसे होगा. हाँ फिर और फिर भी ऐसे किरदार जो एक दूसरे से इतने अलग हो कि एक दूसरे की चॉइस कभी मिलती ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा आर्गुमेंट झगड़ा और वो सब तो होना लाजमी है. और वो हमने अपनी फैमिलीज और सब में भी देखा था अपने फ्रेंड्स में जब लॉकडाउन हुआ. हां या 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 पक रहे थे सबके अरे बाहर निकलो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू. थैंक यू.